दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फेस का सेंटर पॉइंट यानी आईज या फिर नोज से शुरू करनी चाहिए ड्राइंग। मैं यहाँ पे आईज से शुरू कर रहा हूँ। आपको देख लेनी है आँख कितना लंबा या और कितना चौड़ा है, और फिर आपको देख लेनी है उसकी कितनी दूरी पर दूसरी आँख है, और फिर उसके कितने ऊपर आईब्रोज हैं। फेस कितना लंबा है कितना चौड़ा है आपको हर एक चीज़ का डिस्टेंस ले लेनी है। आप इसके लिए स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगिनर्स को स्केल से मेजर कर लेनी चाहिए कितनी डिस्टेंस पे लाइन है, फिर उसी डिस्टेंस पे लाइन खींचनी चाहिए। मैंने जिन जगहों में दाग दे दिया है इन जगहों का डिस्टेंस आपको कितना है ये ध्यान में रखनी है। कान कितना लंबा है और किस पोजीशन से शुरू हो रहा है ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अच्छी तरह से देखने के बाद फिर ड्रॉ करें। अब हम आगे बढ़ते हैं असली ड्राइंग की तरफ। मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं अपने दोस्त का फ़ोन लेके आता हूँ। आपको पेपर के ऊपर जितना बड़ा थोपड़ा ड्रॉ करना है उस फोटोग्राफ को उतना ही ज़्यादा जूम कर लो, फिर जूम आउट नहीं करना है। अब मैं स्केल लेकर मेज़र कर रहा हूँ हर एक चीज़ का। पहले मैंने आँख देख ली कितना लंबा है कितना चौड़ा है, अब ड्रॉ कर रहा हूँ आँख। डिस्प्ले टाइम बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट कर दिया। अब फिर से जूम कर लिया, अब जूम आउट नहीं करूँगा। तो फिर से आँख मेज़र कर रहा हूँ मैं। आँख के ठीक जितने डिस्टेंस में आईब्रोज हैं उसी डिस्टेंस में आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस आँख से दूसरे आँख का डिस्टेंस कितना है वो भी मेजर कर लेंगे स्केल लेकर। बिगिनर्स इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, इसके लेके हर एक चीज़ का डिस्टेंस में आपके फिर ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ करते करते जब आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको स्केल लेके ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ किस चीज़ का डिस्टेंस कितना है कहाँ तक है। अब हम लोग देखेंगे नाक का डिस्टेंस, नाक कितना लंबा है कितना चौड़ा है। इसे करने के बाद फिर हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आईब्रोज के कितना ऊपर हेयर शुरू हो रहे हैं वो भी मेजर कर लेंगे स्केल लेके, फिर ड्रॉ करेंगे उस लाइन पे। अरे यार आधे घंटे के लिए फोन दिया फिर भी दूसरे के फोन से फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, फोन दे जा। माउथ कितना लंबा है कितना चौड़ा है वो भी मेजर कर लेंगे स्केल लेके।
दोस्तों यही सिंपल मेथड है, हर एक चीज़ का मेजरमेंट ले लो। नाक के राइट और लेफ्ट साइड में कितनी डिस्टेंस पे लाइन है वो मेजर करके लाइन खींचेंगे। फिर मुंह के कितने नीचे तक आउटलाइन है वो भी मेजर कर लेंगे। अब आते हैं हेयर पे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और बीच में कितने दूरी पे है वो हम स्केल लेके मेजर करके फिर ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, अगर कुछ समझ पाए हैं तो एक लाइक दे दीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आउटलाइन ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। अब नीचे कमेंट में बताओ शेडिंग के ऊपर कोई वीडियो चाहिए कि नहीं, और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। यही है सिंपल सा मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।